हेलो फ्रेंड्स, मैं एके पाठक, रिटायर्ड केवीएस नेशनल इंसेंटिव अवार्डी टीचर, आपका अजय कुमार पाठक से एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 जो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का है वो बताने जा रहा हूं। ये सैंपल पेपर है, इसको प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा चैनल जो है वो माय चैनल इज फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए है। और जो मेरा अनुभव है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, उसके अनुसार आपको इसका लाभ उठाना चाहिए तथा टू सर्व द नेशन, देश की सेवा के लिए थ्रू माई डेडिकेटेड सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिंस 1980 से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ये चैनल मैंने अभी शुरू किया है, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करेगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपको इस चैनल पर सबसे सही जानकारी, सटीक जानकारी ही मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगी, जो अन्य किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स का पेपर बताने जा रहा हूँ। वो पेपर इस प्रकार है। Blueprints of the sample question paper for class 8 term 2 set 1 or 2. दो सेट है, ये सेट 1 है, आपको बताने जा रहा हूँ। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ये क्वेश्चंस दिए हैं और ये उसके मार्क्स दिए हैं। वन क्वेश्चन वन मार्क्स, इस तरह तीन क्वेश्चन तीन मार्क्स, ये पांच तीन क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर 1 2 3 3 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, ये लॉन्ग आंसर 3 एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसके बाद विजुलाइजेशन, सॉलिड शेप्स, ये तीन क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। मेंसुरेशंस, तीन क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, इसमें लॉन्ग आंसर्स और कंपेयरिंग क्वांटिटीज में लॉन्ग आंसर, दो क्वेश्चन 3 6 दो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर के लिए। और इसके बाद एक्सपोनेंट एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ये तीन क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ एंड प्लेइंग विद नंबर्स, ये 32 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। आगे ये पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए, सेट 1 क्लास 8 मैथ्स, 90 मिनट्स, टोटल मार्क्स 40। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 32 क्वेश्चंस और 5 सेक्शंस हैं ए बी सी डी ई, और ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स के, बी सेक्शन में है 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के 1-1 मार्क्स के, सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और ई में 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। सेक्शन ए में मैंने आंसर्स की के साथ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, 8000 का क्यूब रूट बताना है। Then second question, what is the percentage of 5 oranges out of 25 fruits? 25 fruit में से 5 oranges की percentage निकालनी है। Find the product, 8000 का cube निकालेंगे, 2 into 2 into 2. So 2 और 1000 का 10 into 10 into 10, तो 20. और 5 upon 25 into 100 करके आगे solution दिया हुआ है। इसके बाद मैं पहले क्वेश्चंस रीड कर दे रहा हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह रीड करना है।
Find the product of 9a, 4ab and minus 2a. A polyhedron has 30 edges, 12 vertex, then how many faces does it have? कितने faces हैं? अगर 30 edges हैं और 12 vertexes हैं और इसमें product multiply करना है, पहले number को number के साथ a और b को. The length, breadth and height of a cuboid are 20 cm. Length इतनी दी है. Respectively का मतलब पहले length दिया है तो पहला number length का, दूसरा breadth दिया तो दूसरा 15 breadth है और height 10. Find the total surface area means box से तो उसकी 6 surfaces हैं, उसका area निकालना है. Express 4 raised to the power minus 3 as the power with base 2. अगर ये 4 base है तो इसको 2 base करके 2 into 2, 2 की पावर 2 की पावर माइनस 3. Then a truck loaded travels 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स. So how can it travels in 25 minutes? 1 hour, 5 hours में 165 किलोमीटर. तो 5 आवर्स को पहले हमें मिनट्स में चेंज करना है. 5 into 60 means 300 minutes. तो 300 मिनट में 165 किलोमीटर है तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 25 मिनट्स में कितना जाएगा, 300 अपॉन 168 इनटू 25, इस तरह निकालना. फाइंड द कॉमन फैक्टर 6 12 और 36 का 12 कॉमन फैक्टर 6 आ गया, इसमें a आ जाएगा और इसमें b. देन ड्रॉ द पॉइंट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस. इसको ग्राफ पेपर में पॉइंट आउट करना है और फिर बताना है डू दे रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं. चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 1 4 3 6 5 8 7 को 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल 9 के डिविजिबिलिटी का जो रूल दिया है उसके अनुसार ये डिविजिबल है या नहीं. इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर 9 से डिविजिबल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो. फर्स्ट का आंसर है 20. वी कैन एक्सप्रेस 8000 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5. 2 इंटू 5 मीन्स 3 रूट 8000 का क्यूब रूट, क्यूब रूट 8000 तो इसमें से 3 में से 1, 3 में से 1 और 3 में से 2, 2 जा 4, 4, 5 जा 20. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट इज 20. देन 20% टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन द बास्केट 25 है, 5 ऑरेंजेस है. द नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इनटू 100. तो ये आंसर आ गया 20%. इसके बाद 9a 4ab and minus 2a इसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. दैट मींस 9 4 जा 36, 2 जा माइनस 72, a की पावर 3 b. बाय इलियर रिलेशंस पॉलीहेड्रल वी नो दैट द नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2. इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने दिए हैं, 12. नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने दिए हैं, फाइंड करने हैं. और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ फेसेस ये लिख देंगे, नंबर ऑफ फेसेस 12 प्लस एक्स, वर्टेक्स हमारे पास नहीं दिया, नंबर ऑफ एजेस 30 प्लस 2 तो इसको किया 32 माइनस 12 इसको टू एक्स इसको टू 20 तो नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितना आ जाएगा, 20. Then total surface area का formula 2 into L P plus BH into LH जो cuboid है उसको multiply करना, 15 into 10 plus 10 into 20 plus 20 into 15 is equal to multiply करेंगे 1300 square centimeter. We have 2 को change कर दिया 4 जो दिया है base, 2 into 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 into 3 is equal to 2 की पावर 2 into 3 is equal to 6. Then 5 hours में 30 minutes हो गए, 160
स्पीड क्या हो गया 160 इंटू 300 अपॉन 300, क्योंकि जो आवर है उसको मिनट्स में चेंज किया, 56 किलोमीटर पर मिनट, तो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर। इसमें कॉमन क्या दिया है, 6 AB में 2, इसमें 2 इंटू 2, और 3 3 3 कॉमन है, AB कॉमन है, तो जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 AB। लोकेट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे बताना है, क्योंकि ये पहला पॉइंट एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, इसमें 5 दिया इसमें 4 दिया, तो दे डो नॉट रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। डिविजिबिलिटी के लिए इन डिजिट का सम कर लिया, 36 आया, 36 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर ऑफ दिस, इसका कौन कौन सा फैक्टर है। ए 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी, तो ए 1 प्लस x और 1 माइनस x। ऑन विच फिगर द वैट ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, जो वैट है वो किस फिगर पर, जब हम सेलिंग प्राइस सेल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर वैट लगता है, जैसे दुकानदार हमसे वैट लेते हैं। इफ द डिजिट ऑफ वन प्लेस ऑफ ए नंबर इज 2, तो उसका क्यूब क्या होगा, क्यूब मीन्स 2 की पावर 3, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसमें नंबर कौन सा दिया है, इसमें नंबर नहीं लिखा है, यहाँ मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये 1 आएगा तो इसमें 1 आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू पार्ट बी में। इफ द एजेस ऑफ ए क्यूब इज 1 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड है, तो 6 इंटू 1, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। एक्स एंड वाई आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स और वाई दिए हैं, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वाई इधर कॉन्स्टेंट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मीन्स कोई वैल्यू नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फेसेस डज ए हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर मीन्स अगर कोई बॉल है, बॉल को कट कर देंगे तो ये हेमिस्फेयर, सेमी, ये बॉल का ऊपर का भाग प्लस जो कट किया है प्लेन सरफेस, टू सरफेसेस आर देयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 टू द पावर 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस वन है तो माइनस वन अपॉन 1 हो जाएगा, दैट मीन्स -1। 0.4 लाइज 0 एक्स एक्सिस पे, 4 वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो कौन सी एक्सिस पे है, तो इसमें वाई एक्सिस। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल है, तो वंस का डिजिट कौन सा होगा, 0। सेक्शन ये दिए हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप आंसर देख लीजिएगा। पार्ट सी में, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड दिस नंबर इज डिविजिबल, डिविजिबल सो दैट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इस नंबर में कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे क्वोशेंट को, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज में जो अनफैक्टराइज नंबर रह जाएगा दैट इज द क्वोशेंट, वो रह जाएगा। फाइंड द सुटेबल, 194 इंटू 206, दैट मीन्स 200, इसमें से 6 माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, 200 प्लस माइनस 6 एंड 200 प्लस 6, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर मीन्स 40,000 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36, तो 39,900, 39,964 ये आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन दिया है, ये का फैक्टराइज कर देंगे, इसमें ट्रिपल फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, वी नो एनी परफेक्ट क्यूब निकालना, तो तीन तीन का ग्रुप बनाना है, तो जो लेफ्ट नंबर रह जाएगा 2 इंटू 2, ये लेफ्ट रह गया, दैट मीन्स 4 इज नॉट द ट्रिपल ट्रिपलेट फॉर्म, देयरफॉर 4 इज द क्वोशेंट, 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूर फॉर्मूला यूज करना है, बताना है, जो अभी पहले क्वेश्चंस में बताया था।
देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 1 पॉइंट जो और नंबर पार्ट है वो वन डिजिट में रहेगा, 1.275 इंटू 10^1 1 2 3 4 5 इंटू -5। इस नंबर को डिवाइड करना है कॉमन फैक्टर्स लेकर, देन प्लॉट द नंबर, इन नंबर को प्लॉट करना है और ये कौन से क्वार्टर में आएंगे ये बताना है। एल्यूर फॉर्मूला ये दिया है, फेसेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो अगर ये दिया है इसमें फेसेस 8 है, ये 12 है, ये 18 है, ऐड किया दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए ये एल्यूर फार्मूला वेरीफाई हो गया। ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये कॉमन फैक्टर है, प्लॉट में ग्राफ में देखेंगे और उसके बाद हमें बताएंगे तो वो पैरेललोग्राम के फॉर्म में आएगा। डी पार्ट में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द डायमेंशन, इसका डायमेंशन निकालना है। वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये एल हो गया इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। देन 25 मीटर क्लोथ 337.50 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर, 25 मीटर की कॉस्ट कितनी है, तो 40 मीटर की कॉस्ट निकालनी है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 24 दिया, 24 को 3 इंटू 8 या 16 इंटू 4 फैक्टर करेंगे, 6 इंटू 4 6 3 या 24, तो 6 नहीं आएगा फैक्टर में, क्या आएगा 8, 24 है तो 6 इंटू 4 आएगा, ये 4 दिया है, 4 कॉमन फैक्टर, 6 4 या 24, तो ये 24 हो गया, ये x 6 प्लस 4, ये माइनस 6 है प्लस 4 माइनस 2 रह गया, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 24, ये कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया, फैक्टराइज करना है थ्री डिजिट नंबर, ए थ्री डिजिट नंबर 2a3 इज एडेड टू 2 3 6 टू गिव 5ab इन द डिविजिबल बाय दिस नंबर, ये नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, ab की वैल्यू निकालनी, ये 2ab प्लस 3 2 6 5b6, तो a प्लस b इक्वल टू b, ये b के बराबर है, और 14 प्लस b इक्वल टू 9 18 27, तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4। देन सेक्शन a, इफ द कॉस्ट cp ऑफ एन एयर कूलर इज दिस ऑफ इट्स 1 1/4 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड द लॉस्ट प्राइस एंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इन द रेशियो इज 3:2 इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड इट्स रेडियस एंड हाइट। तो इसमें ये सेलिंग प्राइस इतना दिया, कॉस्ट प्राइस 5/4 इंटू 100 125, लॉस 125 में खरीदा 100 में बेचा 25 रुपीज का लॉस, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 120%। ये रेडियस दिया, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई, पाई का सिंबल नहीं दिया था इसलिए पाई लिखा, आर स्क्वायर इंटू एच, मल्टीप्लाई किया, आंसर, ये आंसर हो गया, आर की वैल्यू 21 और हाइट एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आर 3x 7, इसकी वैल्यू 7 आएगी, 7 इंटू 3 इसको 21 और 7 इंटू 2 इसको 49। ये क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है, आप इसको अच्छी तरह करिएगा तथा अच्छे मार्क्स पाइएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।